सुमित भाई आ गया। देवलोक में देवता निवास करते हैं, मनुष्य जन्म में अच्छे कार्य करके देव गति को प्राप्त करते हैं। ये जो आप 9 देख सकते हो, ये जो 12 देख सकते हो, ये है 12 वैमानिक देवों के विमान, और उसके ऊपर जो है वो है 9 ग्रहवैद्य देवों के विमान। यहाँ बहुत सारी चीजें होती है उनको लोक में, जैसे बाग, बगीचे, झरने, और जो देव होते हैं उन्हें अत्यंत कीमती रत्न, आभूषण, इन सभी चीजों की प्राप्ति होती है। 9 ग्रहवैद्य विमान के ऊपर आते हैं 5 अनुत्तर विमान। 5 अनुत्तर विमान में अनुत्तरवासी देव एकावतारी होते हैं, यानी अगले भाव में मनुष्य जन्म प्राप्त करके निश्चय ही मोक्ष में, यानी सिद्ध शिला को प्राप्त करते हैं। अगर मोक्ष में जाना है तो मनुष्य भाव लेना आवश्यक ही होता है। देवलोक में भले ही बहुत सुख सुविधा है, रत्न जड़ित सिंहासन उनके हैं, पर फिर भी वहाँ से वो सिद्ध शिला तक नहीं पहुँच सकते। सिद्ध शिला यानी मोक्ष गति। तो मोक्ष गति प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी है? मनुष्य जन्म। तो हमें भी हमारी पुण्यशाली अपनी आत्मा है जो हमें ये मनुष्य जन्म मिला है, और इस मनुष्य जन्म को हमें जरूर जरूर सफल बनाना है, और हम भी देवता बन सकते हैं, बने भी होंगे। तो उसी देव गति से हमें भी सिद्ध शिला तक पहुँचना है, इस मोक्ष गति तक हमें भी पहुँचना है।